सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया है। हालांकि इस बिल पर संसद में काफी गहमा गहमी और हंगामा चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है। इस पर आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को हिटलर तक कह डाला। सर, पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानो में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरम्बर्ग रेस लॉज और इसराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा, आप उसको बचाइए सर। वहीं कांग्रेस भी इस बिल का विरोध कर रही है, तो आखिर इस बिल का विरोध हो क्यों रहा है? दरअसल आपको बता दें कि ये बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, ये पिछली लोकसभा में भी लोकसभा में रखा गया था जहां से ये पास हो गया था, लेकिन क्योंकि ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, इस वजह से नई लोकसभा के गठन के बाद नई लोकसभा में भी ये बिल पेश किया गया है और उसके बाद से इसको लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान में संशोधित किया जाएगा और कानून बनेगा। दरअसल इस ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, ये भारत के अलावा जो बाहर से जो आने वाले अल्पसंख्यक हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी, या फिर जो दूसरे समुदायों से आते हैं लेकिन वो मुसलमान न हो, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हैं, लेकिन मुसलमानों को छोड़ करके जो गैर हिंदू, जो शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों से, वहां से भाग करके भारत में आए हैं और भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता इस बिल के जरिए दी जानी है। इस बिल का विरोध कांग्रेस और बाकी पार्टियां खासकर तौर पे इसलिए कर रही हैं कि उनका ये कहना है कि अगर बाहर से आने वाले जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको सिर्फ भारत की नागरिकता इस बिल के जरिए क्यों दी जा रही है, मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि इस पर सरकार का ये कहना है कि क्योंकि 1950 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके जरिए माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये कहा गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू बचे रह गए, जो कि वहां के लिए अल्पसंख्यक रहे, उनके हितों की सुरक्षा पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया और उनके साथ अत्याचार, अमानवीय व्यवहार लगातार होते रहे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर के किसी न किसी तरीके से भारत में आकर उन्होंने शरण ली और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। तो ऐसे लोग जो दूसरे देशों में, ऐसे गैर मुस्लिम लोग जो दूसरे देशों से आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी जगहों पे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिमों को छोड़ करके जो लोग हैं, वो उनको भारत की नागरिकता दी जानी है और उसमें काफी कुछ संशोधित किया जाना है। जैसे कि 11 साल से जो अवधि थी, पहले अगर कोई देश में 11 साल से रह रहा है तो उसको नागरिकता दी जाती थी, लेकिन इस बिल के तहत 11 साल की तय सीमा को घटा करके 6 साल की अवधि करने का भी वो लिया गया है। अमित शाह इस पर ये कह रहे हैं
कि ये बिल किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के विरोध में नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इस बिल को लेकर के असम में इस वक्त जो है जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। शुरू से ही जिस वक्त से एनआरसी के तहत इसकी इस प्रक्रिया की एक तरीके से शुरुआत की गई थी कि ये पहचाना जाए कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन बाहर से आया हुआ है, इसकी पहचान के लिए जब सरकार ने असम में एनआरसी लाई थी, उस वक्त से वहां पे कई ऐसे कबीले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी जो है प्रदर्शन हो रहा है। असम के लोगों को ये लगता है कि बांग्लादेश या ऐसे लोग जो वहां से आकर के वहां पे हैं, उनसे उनके उनके हितों की, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और इन सारी चीजों पे काफी असर पड़ना है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात के पुख्ता आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, देश के हित में है और उन लोगों के लिए है जो बाहर दूसरे देशों में अत्याचार झेल कर आए हैं, उनको भारत की नागरिकता दिया जाना जरूरी है। अभी के लिए इतना अपडेट, आगे जैसे जैसे इस मामले में अपडेट होता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।